वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर आपका किस ऊपर? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन लैब डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। यानी एचआईवी की लैब डायग्नोसिस अपन किस तरीके से करते हैं, उसको डायग्नोस कैसे करते हैं लैब के अंदर, उसके ऊपर उसके अलग अलग टेस्टिंग किस मेथड से करते हैं, वो सारे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पीछे के लेक्चर में आपने क्या देखा था कि एचआईवी की मॉर्फोलॉजी और उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें देखी थी और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो अब देखो लैब डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एचआईवी इंफेक्शन। यानी जो स्पेसिफिक टेस्ट है बिल्कुल स्पेसिफिक एचआईवी इंफेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, एंटीजन डिटेक्शन। द P24 एंटीजन इज द अर्लीस्ट वायरस मार्कर टू अपियर इन द ब्लड। एलाइजा कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ दिस एंटीजन। यानी जो P24 एंटीजन है वो सबसे पहले अर्ली यानी सबसे जल्दी अपियर होता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और एलाइजा से अपन क्या इस एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर एलाइजा को काम में ले सकते हैं इस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, वायरस आइसोलेशन इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस इन विंडो पीरियड वेयर एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन सीरम ऑफ पेशेंट। यानी क्या है कि वायरस को आइसोलेट करके अपन विंडो पीरियड के अंदर भी पता लगा सकते हैं, यानी जिस टाइम पे इंफेक्शन हुआ है और एंटीबॉडीज बनी नहीं है उस टाइम पे क्या है कि एंटीबॉडीज अब्सेंट है सीरम के अंदर, उस टाइम के अंदर अगर अपने को पता लगाना हो तो अपन वायरस को आइसोलेट करके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो शुरू से देखिए एक बार क्या है, सबसे पहले लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक टेस्ट पे पढ़ रहे हैं एचआईवी के लिए, जिसके अंदर पहला क्या है, एंटीजन डिटेक्शन। तो द P24 एंटीजन इज द अर्लीस्ट वायरस मार्कर ऑफ मार्कर टू अपियर इन द ब्लड। यानी जो P24 एंटीजन यानी न्यूक्लियोकैप्सिड कोर का जो एंटीजन है, न्यूक्लियोकैप्सिड का जो एंटीजन है P24, वो सबसे पहले अपियर होता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, यानी सबसे पहले आता है। एलाइजा कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ दिस एंटीजन। और एलाइजा मेथड को अपन इस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, वायरस आइसोलेशन इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस इन विंडो पीरियड। यानी अपन एचआईवी वायरस को आइसोलेट करके और एचआईवी के इन्फेक्शन के अंदर विंडो पीरियड के अंदर भी उसको डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि विंडो पीरियड के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज अब्सेंट होती है सीरम के अंदर। नेक्स्ट क्या है, वायरस आइसोलेशन फॉर डायग्नोसिस वायरस इन द रूटीनली इन नॉट रूटीनली आइसोलेटेड। यानी जनरली अपन एचआईवी को डायग्नोस करने के लिए वायरस को आइसोलेटेड नहीं करते हैं रूटीन कंडीशन में। इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम CD4 लिम्फोसाइट और पेरिफेरल ब्लड या बोन मैरो एंड सीरम। तो इट कैन बी आइसोलेटेड, यानी अगर अपन आइसोलेट करना भी चाहें एचआईवी वायरस को तो अपन आइसोलेट कहां से कर सकते हैं, CD4 लिम्फोसाइट से आइसोलेट कर सकते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पेरिफेरल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है,
या फिर बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है, सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है, उनसे क्या है अपन आइसोलेट कर सकते हैं वायरस को। आपको पता है क्योंकि पैदाइवी का वायरस सबसे पहले किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, तो CD4 सेल के ऊपर। नेक्स्ट, वायरस आइसोलेशन इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस इन विंडो पीरियड व्हेन एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन सीरम ऑफ पेशेंट। यानी वायरस को आइसोलेट करना एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, एक इम्पोर्टेंट मेथड है कि विंडो पीरियड के अंदर किसी वायरस को डिटेक्ट करना, यानी इसको आइसोलेट करके अपन क्या इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस विंडो पीरियड के अंदर एंटीबॉडीज क्या है एब्सेंट होती है पेशेंट के सीरम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिटेक्टेड बाय PCR, यानी वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है उसको अपन PCR मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी पॉलीमरेज चैन मेथड से, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के द्वारा अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टेस्ट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। यानी PCR जो टेस्ट है वो एक तो सेंसिटिव होता है पूरा, क्योंकि उसके अंदर क्या अपन कोई न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं तो वो 100% श्योर होता है, और क्या स्पेसिफिक भी होता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डायग्नोसिस इन विंडो पीरियड, और PCR के द्वारा अपन विंडो पीरियड के अंदर भी डिटेक्ट कर सकते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड को, क्योंकि वायरस का न्यूक्लिक एसिड तो जब वो आएगा एंट्री करेगा ह्यूमन के अंदर उस टाइम पे ही वो आ जाएगा, तो उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं विंडो पीरियड के अंदर। नेक्स्ट देखिए एक बार शुरू से कि वायरस आइसोलेशन फॉर डायग्नोसिस, वायरस इज नॉट रूटीनली आइसोलेटेड। यानी अपने जनरली जो रूटीनली डायग्नोसिस होती है उसमें वायरस को आइसोलेट नहीं करते अपन। इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम CD4 लिम्फोसाइट, यानी इसको अपन आइसोलेट कहां से करते हैं, CD4 लिम्फोसाइट से करते हैं पेरिफेरल ब्लड के अंदर, क्योंकि पेरिफेरल ब्लड में भी आपको पता है लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और सीरम में प्रेजेंट होती है। वायरस आइसोलेटेड इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस इन विंडो पीरियड, यानी वायरस का आइसोलेशन या फिर वायरस आइसोलेशन जो है वो विंडो पीरियड के अंदर एक इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है, जब क्या है एंटीबॉडीज अब्सेंट होती है। दूसरा है डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। वायरल एसिड कैन बी डिटेक्टेड बाय PCR, द टेस्ट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर डायग्नोसिस इन विंडो पीरियड। यानी क्या है कि वायरल न्यूक्लिक एसिड है उसको अपन किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, PCR के द्वारा। द टेस्ट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, और ये टेस्ट जो है वायरल एसिड न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करना वो क्या है सेंसिटिव भी और स्पेसिफिक भी है, और इसके द्वारा अपन क्या है विंडो पीरियड के अंदर भी डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टेक्निक फॉर डायग्नोसिस। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करके इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली, यानी उनका आइडेंटिफिकेशन करना सबसे सिंपल और मोस्ट कॉमन टेक्निक है जो क्या है HIV के डायग्नोसिस में अपन अप्लाई कर सकते या फिर एम्प्लॉयड है। It may take a several weeks, 2 months for antibodies to appear after infection. यानी कि एंटीबॉडीज को बनने में कुछ हफ्तों से कुछ महीने तक लग जाते हैं इन्फेक्शन होने के बाद में। HIV infected person remains negative for antibodies during window period.
यानी जिस पर्सन के अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन होता है वो क्या है कि रिमेंस यानी नेगेटिव रहता है एंटीबॉडीज के लिए विंडो पीरियड के अंदर. वेन इनिशियल वायरल रेप्लिकेशन टेक प्लेस फॉर अबाउट 2 to 3 weeks. और जो वायरल का रेप्लिकेशन है वो कितने दिन में पूरा होता है, तो 2 to 3 सप्ताह के अंदर. देयर आर 2 types ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट. और यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार के सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं एंटीबॉडीज के लिए. एक तो स्क्रीनिंग, एक सप्लीमेंटल टेस्ट. तो एक बार शुरू से देखिए कि डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टेक्निक फॉर डायग्नोसिस. यानी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना या उनको डिमोन्स्ट्रेट करना सबसे कॉमन या सबसे सिंपल टेक्निक है डायग्नोसिस के अंदर या फिर डायग्नोसिस के लिए. नेक्स्ट, इट मे टेक सेवरल वीक्स टू मंथ फॉर एंटीबॉडीज टू अपियर आफ्टर इन्फेक्शन. यानी ये क्या है, कुछ महीनों से कुछ सप्ताह तक क्या है कि इन्फेक्शन के बाद में अपियर नहीं होती है, या फिर क्या है कुछ महीनों से क्या है कुछ सप्ताह का टाइम लेती है वो अपियर होने में, एंटीबॉडीज बनने में. नेक्स्ट, एचआईवी इन्फेक्शन पर्सन रिमेन्स नेगेटिव फॉर एंटीबॉडीज ड्यूरिंग विंडो पीरियड वेन इनिशियल वायरल एप्लीकेशन टेक प्लेस फॉर अबाउट 2 to 3 weeks. यानी क्या है, एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है एंटीबॉडीज के लिए विंडो पीरियड के अंदर. जब क्या है कि जबकि क्या है वायरल का एप्लीकेशन चलता रहता है वो कितने दिन में पूरा होता है, 2 to 3 सप्ताह में. देयर आर 2 types ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट. और यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार के सीरोलॉजिकल टेस्ट है, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट और एक है सप्लीमेंटल टेस्ट. नेक्स्ट देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट. तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, एलाइजा किट. सबसे पहले तो एलाइजा इज द मेथड मोस्ट कॉमनली यूज. यानी एलाइजा क्या है, सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है. चाहे कोई भी किसी भी चीज का एंटीजन डिटेक्ट करना हो, एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी हो, तो अपन किसको काम में लेते हैं, एलाइजा को. इट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट. और ये क्या है, सबसे सेंसिटिव भी और स्पेसिफिक भी है. यानी कि जिस चीज को डिटेक्ट करेंगे उसी को डिटेक्ट करेगा. नेक्स्ट, इट इज एन एक्सट्रीमली गुड स्क्रीनिंग टेस्ट एंड मोस्ट लेबोरेटरीज यूज एज ए कॉमर्शियल एलाइजा किट दैट कंटेन्स बोथ एचआईवी एंड एचआईवी फर्स्ट एंड एचआईवी सेकंड. यानी इट इज एक्सट्रीमली गुड स्क्रीनिंग टेस्ट. ये क्या है, बहुत ही अच्छा है, गुड यानी अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है. मोस्टली जो लेबोरेटरीज है वो कौन सा एलाइजा काम में लेती है, कॉमर्शियल एलाइजा किट काम में लेती है, जो एच आई वी फर्स्ट और एच आई वी सेकेंड दोनों प्रकार का जो वायरल है, वायरल जीनोम या वायरल एंटीजन या एंटीबॉडी है, उनको कंटेन करता है या रखता है. सलाइवा इज एन एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव टू सीरम फॉर एंटीबॉडीज टेस्टिंग बाय एलाइजा. और सलाइवा भी एक एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव है किसकी जगह, सीरम की जगह एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए. स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहले क्या है, एलाइजा. तो एलाइजा इज द मेथड मोस्ट कॉमनली यूज. यानी एलाइजा क्या है, सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है. इट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट. यानी ये क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है. यानी जिस चीज को डिटेक्ट करोगे उसको जल्दी डिटेक्ट करेगा और स्पेसिफिक भी है. इट इज एन एक्सट्रीमली गुड स्क्रीनिंग टेस्ट एंड मोस्ट लेबोरेटरीज यूज एज कमर्शियल एलाइजा किट दैट कंटेन्स बोथ एचआईवी फर्स्ट एंड एचआईवी सेकेंड. यानी ये क्या है, अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है. और मोस्टली लेबोरेटरी कौन सा एलाइजा काम में रहती है, कमर्शियल एलाइजा, जो एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकंड दोनों को कंटेन करता है.
और सलाइवा क्या है, एक एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव है सीरम की जगह एंटीबॉडी डिटेक्शन में। नेक्स्ट देखिए और क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो एक क्या है रैपिड टेस्ट, दिस टेस्ट टेक लेस देन 30 मिनट्स एंड डू नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। यानी ये टेस्ट क्या है, HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में 30 मिनट लेता है और इसके लिए कोई एक्सपेंसिव यानी महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। द रैपिड टेस्ट इंक्लूड डॉट ब्लो टेस्ट है, यानी रैपिड टेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो डॉट ब्लो टेस्ट भी है, यानी डॉटेड को डिटेक्ट करते हैं अपन, पार्टिकल एग्लूटिनेशन भी इंक्लूडेड है, एचआईवी स्पॉट एंड कूम्स टेस्ट भी इंक्लूडेड है रैपिड टेस्ट में। और जो रैपिड टेस्ट है वो किसके ऊपर बेस्डली काम करता है मोस्टली, तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के ऊपर काम करता है। फिर है सिंपल टेस्ट, तो दे टेक 1 to 2 hours एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। यानी क्या है, ये 1 to 2 घंटे का टाइम लेते हैं, इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो रैपिड टेस्ट में देखिए कि दीज आर टेक लेस देन 30 मिनट देन डू नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। यानी ये क्या है कि 30 मिनट से कम में क्या है टेस्ट का पूरा प्रोसीजर पूरा कर लेते हैं और इनको किसी भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द रैपिड टेस्ट इंक्लूड डॉट ब्लो टेस्ट, यानी रैपिड टेस्ट किसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी किस मेथड पे काम में काम करता है, तो डॉट ब्लो टेस्ट से भी काम भी करता है, पार्टिकल एग्लूटिनेशन पे भी काम करता है और एचआईवी स्पॉट एंड कूम्स को भी अपन काम में लेते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है वो किसके ऊपर बेस है, तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के ऊपर बेस है। नेक्स्ट देखिए स्प्लीमेंटल टेस्ट, तो स्प्लीमेंटल टेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इन दिस टेस्ट एचआईवी प्रोटीन इज सेपरेटेड एंड दिस प्रोटीन आर ब्लॉटेड ऑन द ऑन टू स्ट्रिप ऑन नाइट्रोसेलुलोज पेपर। यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एचआईवी के एक प्रोटीन को क्या है सेपरेट कर लिया है अपन ने, अलग कर लिया है एचआईवी से, और यही प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन यानी ये प्रोटीन जिसको आपने सेपरेट किया आर ब्लोटेड ऑन द स्ट्रिप, यानी आपको स्ट्रिप के ऊपर अप्लाई कर देनी है, ब्लोटेड कर देनी है, कैसी स्ट्रिप पे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर की स्ट्रिप पे। नेक्स्ट दिस स्ट्रिप आर रिएक्टेड विद टेस्ट सिरा, और ये जो स्ट्रिप है उसको अपन टेस्ट की मतलब जिस पेशेंट की सीरम है यानी जिसके अंदर एंटीबॉडीज डिटेक्ट करनी है उसके साथ अपन क्या इसको रिएक्ट करवा के देखते हैं सीरम के साथ, यानी सीरा यानी एंटीबॉडीज के साथ। नेक्स्ट एंटीबॉडीज टू एचआईवी प्रोटीन, यानी इस प्रोटीन के लिए और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है एंटीबॉडीज टू एचआईवी प्रोटीन, यानी इस स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है एचआईवी की इफ प्रेजेंट, यानी अगर प्रेजेंट है इन द सीरम यानी सीरम के अंदर कंबाइंड विद डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ एचआईवी, वो क्या है कि उस प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगी जुड़ जाएंगी और क्या डिफरेंट फ्रेगमेंट
बनाएंगे एचआईवी के। नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ द कलर बैंड ऑन स्ट्रिप इंडिकेट द फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन एंड विच एंटीबॉडीज हैव रिएक्टेड। यानी द पोजिशन ऑफ कलर बैंड ऑन स्ट्रिप, यानी स्ट्रिप के ऊपर कलर बैंड की पोजिशन इंडिकेट द फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन। यानी क्या है, जो कलर बैंड के ऊपर जो पोजिशन आई है, यानी कलर की अलग अलग स्ट्रिप के ऊपर, वो क्या इंडिकेट करेगी कि एंटीजन को इंडिकेट करेगी, फ्रेगमेंट को इंडिकेट करेगी, यानी उनको डिटेक्ट करेगी। विद विच एंटीबॉडीज हैव रिएक्टेड, यानी जहां पे क्या एंटीबॉडीज रिएक्ट की है प्रोटीन के साथ। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या, एक बार शुरू से देखिए कि इन दिस टेस्ट एच आई वी प्रोटीन इज सेपरेटेड। यानी इसमें क्या होता है कि एच आई वी की प्रोटीन सेपरेट कर ली जाती है। एंड दीज प्रोटीन आर ब्लॉटेड ऑन द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। और इस प्रोटीन को क्या है कि ब्लॉट कर दिया जाता है किसके ऊपर, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर की स्ट्रिप के ऊपर। और ये स्ट्रिप है इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं सीरम के साथ, पेशेंट के सीरम के साथ, जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो। तो एंटीबॉडीज टू एच आई वी प्रोटीन, यानी इस प्रोटीन के लिए जो एच आई वी की एंटीबॉडीज है ह्यूमन के पर्सन में अगर प्रेजेंट है, वो क्या रिएक्ट करेगी और कंबाइन होकर क्या है अलग अलग फ्रेगमेंट बना लेगी एच आई वी के। और इस फ्रेगमेंट या इस पोजिशन को अपन डिटेक्ट करेंगे किसके द्वारा, कलर बैंड के द्वारा, स्ट्रिप के ऊपर, जो क्या है अलग अलग जगह इंडिकेट होगा, जिससे क्या है अपन जितनी जगह एंटीबॉडीज रिएक्ट करेगी या एंटीजन रिएक्ट करेगा वहां पे क्या है कलर बैंड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए पॉजिटिव रिजल्ट इन एनी वन स्क्रीनिंग टेस्ट मे नॉट बी एक्सेप्ट विदाउट कंफर्मेशन। यानी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, यानी एलाइजा के ऊपर हो, एलाइजा पॉजिटिव हो या फिर रैपिड टेस्ट पॉजिटिव हो या फिर सिंपल टेस्ट पॉजिटिव, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव, तो उसको अपन बिना किसी कंफर्मेशन के पॉजिटिव एक्सेप्टेड नहीं होगा वो। नेक्स्ट, इट वॉज द प्रैक्टिस अदर ट्यूमर होती है एचआईवी के इंफेक्शन के साथ,
उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, इससे बचाव है, उनकी इलनेस से अपन को हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, एआरटी यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरल यानी एचआईवी के मैनेजमेंट के अंदर काम करता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और हाईली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है, एचआईवी की रेप्लीकेशन को स्टॉप कर देती है उसके इन्फेक्शन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, कोरोना वायरस के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।